ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ थारी जिंदगी हो गए बड़ा दुखा दा मौसम जारी है और अक्सर थोड़े जे मार्फत वाले लोग जमा दी आसानी का चानी इंज वे दिन जिवे मुहर्रम का चन विखींदे करबला के आगाज का नाम है करबला के आगाज। चलो मैं पढ़दा मरसिया हाँ लेकिन इस मौसम का एक जो दिन चलते पे थोड़े तमील में वत कर दे सा सदात ममरीन गुरबत की हद वेखो जैदा वीर कोई नहीं उन्हों घर आके मारा नहीं शाम तो ही हर जाकिर अगर फकत बतूल पड़े जाकिर की तादाद मुख वैसी दुख न मुख सक। मैं तो सिर्फ बीबी दिया त्राए वसीता पढ़ना कुदरती भाईजान वो मेरे जबान तू जा रही है ये हूं भी एक ड्रिफ्टी तुहारे शहर च मैं बीबी की वसीयत पढ़ी अजीब कैफियत बन जाती है बाईजाज घर में कोई दुखी हो जख्मी हो तो वारसा लम्बे लम्बे का फिक्र आता है कि देख अगला लम्हा वो कहता आवे दो और त्राए जमा दी उसानी जी है जाकिर की मिन्नत की मोहताज ना हो ओ बंदा सिर चावे दो ते त्राए दी मेरी मामा भैन दियाँ जितने वैण करो इस बीबी के रुखा का कोई हक तो अदा नहीं होना दो ते त्राए दी दरमियानी रात अली जय बहादुर डिठे है कि जनाब हसनैन उबाले दौड़दे हैं दिल ते आद्या दिल बाबा अम्मा औखिए अली उबाले टुरे यादगार है मोहम्मद मैनु हसनैन दस है अज थोड़े सा बोलो जिंदगी हो भी भाई जाज बदा जाकरी दे नाल नाल अजादार ही होने और भाई जाज मौला दी कसम है चराए जे जुमले तुसा लोग वैण दी शक्ल च अदा कर दियो ना तो यकीन हो वेंदे कि इस बीबी दे रुख करबला तो भी औखे ने करबला पढ़नी सौखी भी सुननी या पढ़नी सौखी नहीं लेकिन ये करबला तो भी ये दर्द वध वेंदे इतनी औखी आई जो कनूत नहीं पढ़ सकती पते तो समंदर है ये तो नमुक्सी। चलो जड़े मातमी हाथ तैयार हो गए आओ करिए मातम आदिए या अली मेरिया कुछ वसीता सुन लो। अच्छा मेजर जौकत मर्द दी वसीयत दा अंदाज और होता है दुआ मंगो शाला छोटे बालों की मां न पिटूदी हो जड़ा बंदा कोई अमीर होवे बीबी की वसीयत बर्दाश्त कर वजे क्या बात है थोड़े वैण दी अली आदर वसीयत हाँ मौला मौला मैं थोड़े घर और मेहमान हाँ
उच्चा रुडे अली बतौल वत दस केड़ी केड़ी वसीयत जड़ा तस्बी की ते डाई चाहिए ओखा चायस मुझे आत्रल मिला के रो रो के पया दे रखे या ओ बेटे सिस्टा तो दस जाकरी तू सही गवाई दसो बात भी तू सही गवाई दसो के जरा कोई मजदूर बचिया दी पार तो लेवे लगे थे सारे समझ में ले लो कि वो सारे कोल मेहमान है जड़ी वसीयत पड़ी ए भी सोखी कोई नहीं ते तू सदा भी कीता है जड़ी वसीयत होर पड़सा ओ अली जा बात और जमीन ते झड़ गए रो के पया ते रखे या इशारा करके तो जड़ी अगली वसीयत उसका इशारा समझे अल्लाह भाई मेरे हसनैन की वसीयत करके बतूल पहले तो चौकी रुपी रो के पया दिल कोई भाई जानू जल्दी आई लेकिन वो खुद आधे पहन के पढ़ के भाई हसरत उठ गए रो के पे आदर कोई अगली वसीयत ही मत पढ़ छोड़ो और मैं कू कफन चुके मरसिया मेरी पहचान बन चुका है तो मोमिन का हुक्म ही है आदि असनैन मेरा हाथ पकड़ो कुछ गल्लां मैं थारे बाबे नाल कीतियां कुछ गल्लां मैं अपने पिऊ की कबर ते करनियां चुके मजदूर की फितरत होती है कि पिऊ की कबर ते भी मुखी होवे ना तो गल्लां इंज करदी है जिवें सामने बाबा सुणदा बैठा है ये तो मैं आम पिऊ की गल की है तो जैदा बाबा हो गई सैयद अल मुरसलीन भाईजान बाबे की कबर ते आई है तो कबर चू नबिया दे सुल्तान आखे बतौल इंज क्यों रोंदी है अगर हक नहीं भी मिला तो ओ जावे लफ्ज हक नहीं मिला तुसा हाय कीती है बतौल आखे बाबा तेरी कसम है बात फकत हक दी नहीं बतूल ते रोने की वजह कबर ते सर रखा सा ते रो रो के पे याद ये ते खूब दस सा मेरा चल मुंह का मातम कर जरूर लेकिन जल जल के जल जल के मैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह अकबर चुके सत्र समय औखी होर पढ़नी है ते जमाना ते जज्बात तो डर भी लगता है बतूल दे जुमले भी पीर की कबर ते रुख ना
शाला के सरदार दी थी और रैया के सामने इंज मारो वे हौसला मेरे बच्चे हौसला मेरे बच्चे अगर रोक इंतजारी नसीब हुई एक मैं पूरे मुल्क च इशारा कीता है शाला वो समझ बनी तो मैं सलाम से करा कब्र चुली है सिर्फ ते रो रो के